दोस्तों गूगल क्रोम पे एक नया फीचर आया लाइव कैप्शन के नाम से, जिसकी मदद से दोस्तों अब आप गूगल क्रोम पे जब भी कोई वीडियो को प्ले करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइव कैप्शन मतलब उसका सबटाइटल देखने को मिलेगा। एंड जैसा कि आपने नोटिस किया होगा यूट्यूब पे भी आपको सबटाइटल को इनेबल करने का ऑप्शन मिलता है, वैसे ही अब आप गूगल क्रोम पे किसी भी वीडियो को प्ले करेंगे, किसी भी वेबसाइट पे जाके कोई सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई वीडियो दिख रही है या आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो यहाँ पे आपको लाइव कैप्शन दिखेगा। एंड गूगल ने ये भी बताया कि अगर आपके लोकल सिस्टम में कोई वीडियो है जो कि आप प्ले कर रहे हैं गूगल क्रोम ब्राउजर पे, तो यहाँ पे भी आपको उसका लाइव कैप्शन दिखेगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि कैसे आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। एंड चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों गूगल क्रोम डेस्कटॉप वर्जन पे लाइव कैप्शन को इनेबल करने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लें। अगर अपडेटेड नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको थ्री डॉट का आइकन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको हेल्प का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाके आपको अबाउट गूगल क्रोम पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो गूगल क्रोम है वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोबारा से थ्री डॉट आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में आपको एडवांस का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी को सेलेक्ट करना है। राइट में यहाँ पे आपको लाइव कैप्शन का ऑप्शन दिखेगा, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होगा, इसे आप जब इनेबल करेंगे तो कुछ फाइल्स आपकी डाउनलोड होंगी 5 से 10 सेकंड में, एंड उसके बाद आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा भी देता हूँ, मैं आपको यूट्यूब के एक वीडियो को प्ले करके दिखाऊंगा कि लाइव कैप्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब की वीडियो को ओपन कर लिया है, एंड वीडियो प्ले होने के बाद आपको लाइव कैप्शन दिख जाएगा। एंड यहाँ पे आपको फ्लोटिंग टैब मिलता है जिसे आप कहीं पे भी इजिली मूव कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। एंड अगर आपको क्लोज करना है तो यहाँ पे आपको क्रॉस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है आपको, अगर आप गूगल क्रोम पे टॉप पे जाएंगे तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हैं, मतलब इसे डिसेबल कर सकते हैं, या अगर आपको दोबारा से चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे इनेबल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप गूगल क्रोम डेस्कटॉप वर्जन पे लाइव कैप्शन फीचर को इनेबल कर सकते हैं। एंड आप कमेंट में मुझे ये बताएं कि ये फीचर आपको कैसा लगा। एंड इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में, वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोज देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।